एयरलाइन फ्रॉक है। अच्छा ये भी एयरलाइन फ्रॉक है, वो पठानी फ्रॉक थी, ये एयरलाइन है। इसके नीचे से घेरा देखे, ये एयरलाइन फ्रॉक है। तो नाजिन ये देखिएगा, लोग इसमें 28-30 घेरा तैयार करा रहे हैं, हमारा माशाल्लाह 32-34 घेरा आया है। तो ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 250 है, इस लोन की प्राइस। अच्छा ये लोन और वो उसमें फ़र्क है कुछ? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो सादा बेस का कपड़ा है, ये प्रिंट का कपड़ा है, सिर्फ ये फ़र्क है। जी सबके पास अवेलेबल है और ये गारंटीड कि उनका और हमारे रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 20-30 रुपये 40 रुपये उनका रेट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप गारंटी इस बात की देते हैं? फुल गारंटी दे रहे हैं इस बात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं इमरान नेट वाला। नाज़रीन आज मैं कच्चा जे रोड पे मौजूद हूं, जहां पे बासी कुर्ता कलेक्शन शॉप का नाम है और यहां पे शर्ट्स और फ्रॉक्स और भी मुख्तलिफ आइटमें यहां पे मिलती हैं। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और किस तरह ये सेल कर रहे हैं और किस तरह सेल नहीं कर रहे, होल सेल पर सेल करते हैं या रिटेल पर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, यानी कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर आप मुझे ये बताइएगा आपके पास कौन कौन से आइटम पड़े हैं? प्रिंट कुर्ते की तो सारी आइटम्स पड़ी हैं, 2 पीस सिंगल पीस 3 पीस सारी ये पड़ी हैं। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वाले बचा पीस बड़ा पीस, तो स्टैंडर्ड साइज़ में लार्ज साइज़ में, मतलब कि टोटली आइटम्स पड़ी हुई हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ का सामान पड़ा हुआ है या फिर जेंट्स का भी? नहीं सिर्फ लेडीज़ का। सिर्फ लेडीज़ का ही? और कितनी एज से लेके लेडीज़ का और कितनी एज तक आपके पास सामान पड़ा हुआ है? तकरीबन 5 साल से लेकर ना, तो अब आप जितनी तक भी है ना वो मिल जाता है। 5 साल मिनिमम, 5 साल से लेके ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप होलसेल पे करते हैं या रिटेल पे भी सेल करते हैं? रिटेल को हम कम से कम 10 पीस सेल करते हैं, इससे कम नहीं हम सेल करते। 10 पीस अगर कम से कम लेंगे तो तब आपको होलसेल रेट लगेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि आपका कहने का मतलब कि अगर कोई भी बंदा आता है तो रिटेल पे भी लेने के लिए आता है तो 10 पीस मिनिमम हम सेल करेंगे और वो उसका रेट जो होगा वो होलसेल का होगा। अगर 10 से कम लेते हैं वो तो फिर उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। अच्छा 50, सिर्फ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े। अच्छा आप दे देते हैं वैसे? फिर दे देते हैं, क्योंकि कस्टमर एक दुकान पर आके मांगने आए और वहाँ पर दुकान पर उसको हम दे नहीं ये चीज़, तो फिर हम कर देते हैं अगर ऑनलाइन लेकर नहीं भेजते तो। जी व्यूअर्स हमारा तो काम ये है कि जी हम बिज़नेस आइडियाज़ बताते रहते हैं आपको कि जी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो किस तरह करना है। तो भाई आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी ने, कोई मेरी बहन या मेरा कोई भाई देख रहा है वीडियो हमारी, तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो तो आप उनको बताइएगा कि कितने तक, मतलब कितना पैसा हो उसके पास, वो छोटा घर में सेटअप करके या अपने गाँव एरिया में सेटअप करके अगर किसी ने सेल करना हो तो वो किस तरह सेल करेगा, मतलब कितना एक्सपेंस करेगा, उसको थोड़ी सी गाइडलाइन या कुछ थोड़ा सा जो है ना उसको रास्ता दिखा सकते हैं आप? जी कम से कम ना वो जो मतलब घर पे पर्दा लोग जो हाथूंस होती हैं जो कहते हैं घर पे काम करें, 5-7 हज़ार 10 हज़ार से कारोबार स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा माल लेके घर जाके इसमें से पर पीस अगर मिसाल आपको हम 200 रुपये का दे रहे हैं तो वो आगे 400-500 रुपये का सेल हो जाता है। मतलब कि आप कह रहे हैं एक शर्ट अगर यहाँ से आपने 200 रुपये में या 250 रुपये में आपने दिए तो वो 400-500 रुपये में वो सेल करके अच्छा अर्न कर सकता है? अच्छा अर्न कर सकता है और घर बैठे पर्दे के अंदर वो काम कर सकता है। और 5 हज़ार 10 हज़ार ये सबसे कम इन्वेस्ट वाला कारोबार ये है रिटेल। बिल्कुल 5 हज़ार मामूली सी बात है, 5 हज़ार अगर 10 हज़ार खर्चा करके उसका अगर बिजनेस का अच्छा रन हो जाता है तो उससे इससे बड़ा और क्या चाहिए। बिल्कुल तो इस तरह आप हमें ये बताइएगा कि आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पहले इस जगह पे, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास लेने के लिए, या नया बंदा कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कितने में पहले स्टार्ट में लेके जाता है? माशाल्लाह पहले तो था कि पाकिस्तान में से ना, मतलब पाकिस्तान कराची वगैरह हर जगह इस्लामाबाद वगैरह हर जगह से लोग आ रहे थे, अब तो माशाल्लाह इटली फ्रांस इधर उधर से भी लोग मंगवाने लग गए हैं ऑनलाइन। अच्छा मतलब कि ऑनलाइन भी, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री भी सेल करते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर भी ये माल जा रहा है बाहर और YMNP के थ्रू हम ये माल भेज रहे हैं। तो जी नाज़रीन ये देखें कि अब्बासी कुर्ता कलेक्शन वाले जो है ना ये आउट ऑफ सिटी नहीं सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कंट्री भी जो है ना ये सेल कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल भी सेल परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कहीं भी बैठे हैं अगर इनकी शॉप आप विज़िट करना चाहते हैं तो इनकी शॉप है कच्चा जे रोड, ठीक है, अब्बासी कुर्ता कलेक्शन के नाम पर इनकी शॉप है। तो अच्छा आप ये मुझे बताइएगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो
बिल्कुल महफूज और आसानी से जल्द पहुंच जाती है कि कितने टाइम में आप डिलीवरी कर देते हैं? अगर आपसे कोई बंदा मंगवाना चाहता हो अर्जेंटली तो आप क्या उससे उसका क्या तरीका अपनाते हैं आप? एक तो होता है बिल्कुल अर्जेंटली, वो भी हम कर देते हैं, उसके अंदर होता है कि और चार्जेस होते हैं तकरीबन 350 रुपये होते हैं पर के जी के, अगर एक दिन में हमने डिलीवर 12 से 14 घंटों में डिलीवर हो जाता माल। अगर वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते हैं 1 से 2 दिन में माल डिलीवर हो तो फिर वो होता है 70 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से होता है, तो वो 2 दिन के अंदर माल पहुंच जाता है और बड़ा सेफ माल जाता है, हमारी चीज़ की गारंटी है। तो अच्छा, आप 10 पीस से, इसका मतलब क्या है, आप रिटेल वाले को 10 पीस से कम नहीं देते? अगर देते भी हैं तो आप 50 रुपीज़ ऊपर लगाते हैं। अगर हमारी वीडियो देखने वाला जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारा फ्रेंड है, तो वो आपके पास आता है हमारी वीडियो देख के या आपसे रब्ता करता है, तो आप हमारी वीडियो के तसलसल से आप उससे कितना डिस्काउंट देंगे? उसको डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया जाएगा पर पीस पे। अगर मिसाल के तौर पर 200 रुपये का पीस होगा तो 195 का उसको मिलेगा, तो ये टोटल बिलिंग, अगर ये उनके लिए 5 रुपये की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कम से कम अगर बंदा 100 पीस निकाले ना तो 500-700 रुपये का इस तरह फ़र्क पड़ता है। ये होलसेल का मार्जिन 5-10-15-20 होता है, तो ये चीज़ें होलसेल वाले जानते हैं कि इनका मार्जिन क्या है क्या नहीं, ये हम 100-50 पर नहीं मार्जिन रखते। इसमें आप खुद भी मैन्युफैक्चरर करते हैं या फिर ये आप खुद इम्पोर्ट करते हैं कहीं से? टोटल 1% भी बाहर से इम्पोर्ट नहीं होती, टोटल कपड़ा सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है और तैयार सारा अपना होता है। सामने हमारा यूनिट लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है माशाल्लाह, उधर सारा कुछ तैयार हो रहा है। तो जी भी वैसे ये इनका अपना बनाया हुआ कपड़ा, मतलब ये कपड़ा लिया उन्होंने मैन्युफैक्चरर, इन्होंने खुद डिज़ाइन किया इनको, इंशाल्लाह हम इनके यूनिट भी विजिट करेंगे एक दिन, तो आपको वहाँ पर भी दिखाएँगे कि कैसे बनाते हैं, किस तरह ये मतलब कि चीज़ बनाते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चरर ये इसका काम करते हैं। तो आप भाई हमें ये बताइएगा कि आप पर जो पीस होता है वो आप बिल्कुल रेडी खुद, आप बिल्कुल सारा का सारा काम आप खुद तैयार करते हैं? सिर्फ कपड़ा आता है, कपड़े के बाद कट टू पैक, उसकी कटिंग से लेके सिलाई से लेके पैक तकर, दुकान पर आने तकर सारा अपने पास तैयार होता है यूनिट पे। चलिए आप हमें दिखाइएगा कि आपके पास कौन कौन सी आइटम पड़ी हुई है। ये सबसे पहले ना एम्ब्रॉयडरी में आते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी की सबसे महंगी आइटम है ये वाली, वाला वजह ये है कि इसका ये कपड़ा कौन सा? ये लोन में है, ये प्योर लोन, ये प्योर लोन है। जी नाज़रीन, ये प्योर लोन कपड़ा है, तो इसके आप देख लें कि किस तरह की इसने डिज़ाइन किया हुआ है इसमें। इसका ना ये नीचे से आप गहरा देख लें, तकरीबन 38 से 40 इंच इसका ये जो नीचे से फ्लेयर है। ये फ्राक है? ये पठानी फ्राक इसको कहते हैं, ये पठानी फ्राक है ये। और ये इसका बाजू वगैरह देख लें आप, एम्ब्रॉयडरी हुआ है, और ये टोटल अपने यूनिट का तैयार हुआ माल है, तो हम इसकी क्वालिटी का भी गारंटी देते हैं हर चीज़ की भी, और इसका रेट है 730। अच्छा, ये 730 का है, तो अगर हमारे व्यूवर्स को आप कितने में डिस्काउंट पे दें? ये आपके व्यूवर्स के लिए 730 का, वैसे 750 का सेल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि 20 रुपये आपने लेस किया है, इससे अगर लेस करवाना हो तो मतलब कि वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत क्वांटिटी के मुताबिक इंशाल्लाह। ठीक है, क्वांटिटी के मुताबिक वो आपको लेस करेंगे। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि ये वाइट कलर में जो फ्राक है, इसमें कोई और भी कलर आपके पास मौजूद होते हैं एक लॉन में या? ये जो होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाले डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी वाले के डिज़ाइनों के ना 6 से 7 कलरों का सेट एक बना होता है, तो ये सेट कस्टमर्स को लेना लाजमी होता है। जो रिटेल प्राइस में लेते हैं ना उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ते हैं, वो पर पीस फिर दे देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा जो आपका सेट होता है उसमें 7 पीस होते हैं? उसमें 7 पीस भी हैं, 6 पीस वाला भी है, 5 पीस वाला भी है, 12 पीस वाला भी है, 10 वाला भी है। जो 12 पीस वाला, 7 पीस वाला, 6 पीस वाला, उसमें एक ही कलर के होते हैं सारे? सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं। कलर आप अगर 12 पीस वाला जो ना है सेट है, तो उसमें मुख्तलिफ कलर होंगे, मतलब एक कलर नहीं होगा? नहीं, एक कलर नहीं होगा, सारे मुख्तलिफ कलर होंगे। मैं आपको अब ये 4 पीसों का सेट है, तो एक ये ब्लू कलर है, एक क्रीम कलर है, एक रेड कलर है, और एक ये सी ग्रीन टाइप कलर है। ठीक है, तो ये पूरा सेट, ये 4 सेट कितने का, मतलब ये आप दे रहे हैं? ये पर पीस, ये वाला जो है ना ये 650 का पर पीस है। अच्छा, कितने का? 650 का, 650 650 का ये पर पीस है। तो ये पूरा सेट अगर आपने सेल करना हो तो कितने का दे रहे हैं? ये 2600 रुपये का सेट मिलता है, ये 4 पीसों का 1300 रुपये के 2 पीस, और 1300-1300-2600 का ऑब्वियसली ये आपको मिलेगा 4 पीस। तो नाज़रीन, आप देखिएगा कि अगर आप सेट के हवाले से लेके जाते हैं तो सेट में 4 पीस भी होते हैं, 5 भी, 6 भी और 12 तक भी पीस होते हैं। तो अगर आप मुझे बताइए एक फ्रॉक के अलावा आपके पास कौन कौन सी आइटम है? फ्रॉक के अलावा ना प्रिंट्स कुर्ते पे भी हम काम करते हैं, तो मैं आपको ये साथ साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी प्रिंट शर्ट्स हैं, ये भी खुद अपने प्रिंट की, टोटली प्रिंट, ये प्रिंट हुआ होता कपड़ा तो जो खुद। अच्छा, कपड़ा खुद प्रिंट हुआ हुआ पहले से ही? पहले से प्रिंट, ये मशीनी प्रिंट होते हैं। तो आप इसमें आपने क्या मैन्युफैक्चर किया है इसमें? मैन्युफैक्चर ये है कि कपड़ा बना बनाया खुले थानों में होता है, इसको शर्ट की शेप इख्तियार करवा के इसको तैयार किया। ठीक है, मतलब आपने सिलाई करवाया इसे? ठीक है, अगर आपने मुख्तलिफ साइज़ के आपके पास पड़े होंगे? मुख्तलिफ साइज़ होते हैं इसमें, जो होता है प्रिंट के वाले से ना, इसमें स्टैंडर्ड साइज़ होता है और बचगाना साइज़ होता है 28 से लेकर 34 तक।
28, 30, 32। तो ये क्या चीज़ है? ये कमीज एयरलाइन फ्रॉक है। अच्छा, ये भी एयरलाइन फ्रॉक है, वो पठानी फ्रॉक थी, ये एयरलाइन है। इसके नीचे से घेरा देखें, ये एयरलाइन फ्रॉक है। तो नाज़रीन ये देखिएगा, लोग इसमें 28-30 घेरा तैयार करा रहे हैं, हमारा माशाल्लाह 32 से 34 घेरा है। तो ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 250 है, इस लोन की प्राइस। अच्छा, ये लोन और वो उसमें फ़र्क है कुछ? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो सादा बेस का कपड़ा है, ये प्रिंट का कपड़ा है, सिर्फ ये फ़र्क है। मतलब ये 250 का है? ये 250 का फर्क है। ये हमारे कस्टमर का है या फिर भाई जो आम लेने के लिए आते हैं होलसेल पे? ये माशाल्लाह हमारी दुकान के सबसे यूनिक सी आइटम है, जो मतलब फुल मुनासिब रेट, पूरी मार्केट से कम रेट हम दे रहे हैं इसका। अच्छा, इनका ये भी दावा है कि जी हमारी मार्केट में अंदर जो जितनी भी शॉप्स हैं, हमारा जो है ना, हमारा खुद का बनाया हुआ, मैन्युफैक्चर किया हुआ कपड़ा जो है ना, वो हम सबसे कम प्राइस में जो है ना दे रहे हैं। तो अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि यही आइटम जो आप खुद बना रहे हैं, ये किसी और के पास भी अवेलेबल है इस मार्केट के अंदर? जी, सबके पास अवेलेबल है, और ये गारंटीड कि उनका और हमारे रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 20-30 रुपये 40 रुपये उनका रेट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप गारंटी इस बात की देते हैं? पूरी गारंटी दे रहे हैं इस बात की। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा साथ कि अगर आपके पास से बंदा कोई ले जाता है, पीस के हिसाब से ले जाता है, पूरा सेट लेके जाता है, उसमें एक आधा पीस ख़राब निकलता है या कोई मसला होता है पीस, किसी को पीस को भी कोई इशू होता है, ठीक है, तो उस पर एक रिप्लेस होता है या आपका उसके मैनेज कैसे उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं? इस तरह ये होता है कि वो हमें वापस माल भेज देता है, जितना माल मसला, अगर ना वैसे तो मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ ख़राब निकले, क्योंकि चेक होकर माल आता है, टोटल क्वालिटी होके आती है माल की। तो अगर शादो नादर को निकल भी आता है, क्योंकि आगे कस्टमर के नहीं पता लगता, हमें भी नहीं पता लगता, तो फिर उसकी चेंजिंग हो जाती है। पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा रिटर्न में आया हो कोई सूट? नहीं, ये सीन होते हुए ही नहीं है, ये फिर भी हम एक देते हैं कस्टमर के दिल से बात निकल जाए। सही हो गया। चलिए, इसके अलावा दो आइटमों के अलावा कोई और आपके पास कोई बच्चा शर्ट या छोटे बच्चों के लिए कोई आइटम हो? जी जी, इसके अलावा ये साइड बॉर्डर वाले भी डिज़ाइन पड़े हैं, ये साइड बॉर्डर वाले डिज़ाइन है, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये लोन के अंदर है, इसके अंदर ये भी लोन के अंदर है। जी, इसके अंदर काफ़ी कलर स्कीम होती है, सिर्फ मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, कलर स्कीम इसके अंदर काफ़ी है, एक कलर के अंदर कोई 3-3, 4-4 डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, एक डिज़ाइन के अंदर 3-3, 4-4 कलर। इनकी क्या प्राइस है? ये लोन है, ये लोन साइड बॉर्डर है, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है ना वो 280 है। इसकी 280 प्राइस है, इसकी लोन की क्वालिटी का फ़र्क है, क्वालिटी स्केच। जो आपने मुझे पहले भी दिखाई है उसमें और इसमें फ़र्क है? फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, जिस तरह रेट में फ़र्क है, इस तरह क्वालिटी में भी फ़र्क है। आप कस्टमर को सब कुछ बताते हैं, गाइड करते हैं कि जी ये इसमें ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है? टोटली जो होता है वो हम बताते हैं पहले, ताकि कस्टमर बाद में शिकायत ना कोई कर सके कि यार ये है यार वो। ये 280 की है, ये हमारे कस्टमर के लिए कितने की है? ये सर आपके कस्टमर्स के लिए 280 की, आपको बता रहा था पहले भी मैंने वीडियो बनाने से पहले कि मैंने कहा यार आपके कस्टमर को खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत शुक्रिया आपका जो है ना तावन हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह हम भी आगे आपको दिखाते रहेंगे, हमारे अपने व्यूवर्स हैं जो हम इंशाल्लाह ऐसी मार्केटों को आपको विजिट करवाया करेंगे जहाँ पर कम से कम जो है ना रेट होगा और अच्छी चीज़ का होगा। इनका नंबर भी है, हम इनका नंबर भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और अपने ज़माने भी आप बता दीजिएगा कि आपका ये जो शॉप है किस जगह पे, और अपना नंबर भी बता दीजिएगा बोल के भी, और इंशाल्लाह हम जो है ना मेहनत में इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, और जहाँ पे भी आप देखेंगे ना बिल्कुल अच्छा रेट होगा और अच्छी मार्केट का आपको विज़िट करवाया करेंगे, और वहाँ पे इमरान नेट वाला ज़रूर होगा, जहाँ पे भी कम रेट होगा वहाँ पे इमरान नेट वाला ज़रूर होगा। अच्छा, आप अपने ज़बानी बताइएगा कि ये आपकी शॉप किस जगह पे? हमारी शॉप कच्चा जेल रोड चुंगी अमर सिद्धू लाहौर में वाक़ है, फिरोजपुर रोड के साथ ही अटैच होती है ये रोड। इस रोड के ऊपर आके खानजादा टिक्का शॉप या आप मियाँ चौक समझ लें, मियाँ चौक के अंदर सामने बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा, दूर से बंदे को नज़र आ जाता है कि बासी कुर्ता कलेक्शन का बोर्ड ये है। जी, इनकी शॉप का नाम बासी कुर्ता कलेक्शन। अपना नंबर भी बता दीजिएगा कि अपना नंबर व्हाट्सअप वाला या दूसरा नंबर जो भी है आप अपना नंबर बता दीजिएगा, जहाँ से आपके कस्टमर जो है ना आपसे रब्ता कर सकें, हमारे देखने वाले भी जो है ना आपसे रब्ता कर सकें। 03228450492 ये व्हाट्सअप वाला भी नंबर है, और इस पे फ़ोन भी किया जा सकता है, और एक और नंबर है 03004104830, ये दो नंबर हैं जिसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, जिस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने अपना नंबर भी बता दिया और अपनी दुकान का जो है ना लोकेशन भी आपने आपको आ गई है, और हमारी स्क्रीन पे भी इनका नंबर भी और इनका नाम भी और एड्रेस भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान सर्वर को दे इजाज़त, देखते रहें इमरान नेट वाला।